क्लिप्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो आप प्रशांत किशोर के बारे में कुछ कहना चाहोगे क्योंकि आई है नोटिस किया कि एक साल से जब भी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन होती है इनका नाम लिया जाता बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट uh, दीजिए और फिर एक एडवांस्ड ओपिनियन भी दीजिए सो so, प्रशांत किशोर इज़ अ प्रोफेशनल पॉलिटिकल कंसल्टेंट जिन्होंने अब खुद की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है जन करके बिहार में एंड आई थिंक इज़ बीन डूइंग वेरी गुड वर्क विद द पार्टी वो अभी तक सो 2024 हज़ार चौबीस का जो इलेक्शन था uh, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रशांत किशोर हैड अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दैट कि क्या कम्युनिकेट करना है क्या प्रॉमिस करना है किस तरह से प्राइम uh, मिनिस्टर की इमेज को लार्जर देन लाइफ बनाना है तो वो तब से कंसल्ट uh, कर रहे हैं और वो अलग अलग पार्टीज़ को कंसल्ट करते हैं और वो प्रोफेशनली इस चीज़ को करते हैं और अब उन्होंने इस चीज़ को प्रोफेशनली कंसल्ट ना करना छोड़ के खुद की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है आई थिंक uh, जब आप बहुत पॉलिटिक्स को करीब से देख लेते हो तो आपको इन जनरल प्रॉब्लम्स भी दिखने लगते हैं uh, इट्स अ वेरी स्टार्टअप अप्रोच ऑल्सो आई थिंक राइट लाइक जब आप एज अ मार्केटिंग एजेंसी आपने इतने डी टू सी ब्रांड्स को लॉन्च किया होता है तो एक दिन आपको लगता है मैं खुद का भी डी टू सी ब्रांड क्यों ना लॉन्च कर लूँ जब मैंने इतने डी टू सी ब्रांड को सेल्स बढ़ाने में हेल्प किया है तो ज्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर लिया है हाँ इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर लिये तो हम यही <laughs> कर लेते हैं तो एक तो उनके पास न्यूएंस है नॉलेज है वो बिहार के हैं आई थिंक ही एज एज हार्ट इन द राइट प्लेस क्योंकि बिहार को सही में बदलाव की जरूरत है मतलब बिहार के साथ जितना धोखा बिहार के नेताओं ने किया आई डोंट थिंक पूरे इंडिया में किसी नेता स्टेट के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है तो आई थिंक इसलिए उन्होंने बिहार चूज़ किया और बिहार क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है पोलिटिकली uh, तो इसलिए आई थिंक ही हैज़ गॉन इन टू दैट एंड ऑल्सो अगर आप एक रीजनल पार्टी बनाते हो तो आपके अलायसेज करने के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आप किसी भी बड़ी पार्टी के साथ अलायंस कर सकते हो क्योंकि एज अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट सो वैन प्रशांत किशोर वॉज अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट पॉलिटिकल कंसल्टेंसी बहुत नई चीज़ थी इंडिया में कभी पॉलिटिकल कंसल्टिंग का माहौल मतलब इट वॉज नॉट वो फैशन नहीं था मतलब आज तो आपको हर आपको इस बिल्डिंग में चार पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे तो आज इतने पॉलिटिकल पॉलिटिकल हैं हैं क्या करते पॉलिटिकल पोलिटिकल आपको स्ट्रेटजी बताते हैं कि आपको क्या बोलना चाहिए कहाँ बोलना चाहिए कहाँ पे किसके साथ अलायंस करना चाहिए क्या कैंपेन रन करना चाहिए क्या प्रोमिस करने चाहिए मैनिफेस्टो कैसे बनाना चाहिए क्या प्रोमिस करना चाहिए उसमें तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट्स होते होते हैं हैं और बट फिर भी मतलब आप इलेक्शन पॉलिटिकल कंसल्टेंट की वजह से नहीं जीते इलेक्शन हमेशा वजह से ही जीतते हो सी पॉलिटिकल कंसल्टेंट आपको सजा सकता है पर वो आपको सुंदर नहीं बना सकता है ना मतलब आप मेकअप कर मैं आपको मेकअप कर सकती हूं बट अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो मैं आपको आपकी स्किन को मतलब थ्री सिक्सटी डिग्री नहीं चेंज कर सकती आई कैन ओनली ट्राई टू फिक्स द फ्लॉज तो पोलिटिकल कंसल्टेंट का काम इज लाइक अ मेकअप आर्टिस्ट तो वो आपको मेकअप कर सकते हैं बट uh, अंकर अंदर से ही सडन है तो वो नहीं उस चीज को चेंज कर सकते प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को जैसे कंसल्ट uh, किया था फॉर यूपी इलेक्शंस एंड ए लॉस्ट मिजरेबली इफ द पार्टी अगर नेता करिस्मैटिक नहीं है तो आप उसे हीरो uh, uh, नहीं बना सकते बट हीरो पोटेंशियल होना चाहिए तो पोटेंशियल निकालने का काम पोलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का होता है तो पर हीरो होना चाहिए लाइक यू कॉन्ट ई नो हु माई फ्रेंड आई विल दिम की हाँ मतलब जमानत भी जब होने वाली है भाई तुम्हारी मतलब क्यों मतलब आई वेस्ट माई एन याइम ऑल्सो एनी बडीज टाइम फॉर दै मैटर तो ये कैसे स्पॉट कर लेते हो कि कोई करिश्मा इज़ वेरी लाइक समबडी एंटर्स द रूम एंड यू नो कि करिश्मा है या नहीं है उनके अंदर uh, जिस तरह से वो लोगों से मिलते हैं लोगों से बात करते हैं लोगों से कनेक्ट करते हैं लोग किस तरह उनसे कनेक्ट करते हैं कि क्या आप बहुत पॉश हो क्या आप बहुत uh, जैसे मैं बहुत सारे मैं बहुत अमीर लोगों को मिलती हूँ है ना और सबको uh, जब पैसे कमा ली होते हैं तो हमेशा दो चीज़ें लोग चेज़ कर रहे हैं राइट इधर इट्स रिकोगनीशन uh, और मनी तो पैसे मिलने के बाद उनका नेक्स्ट टारगेट होता है कि रिकग्नीशन मिले और रिकग्नेशन कैसे मिले तो पॉलिटिक्स में जाके मिले तो ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जिनको पॉलिटिक्स में जाना है एंड दे हैव अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी एंड दे थिंक दैट मनी कैन फाइंड दर वे इन टू पॉलिटिक्स के पैसा देख के वो पॉलिटिशियन बन सकते हैं विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल मतलब अगर आप कि आ, मैं हमेशा उनसे यही पूछती हूँ कि अगर जैसे अगर कोई फीमेल सी है और वो बोल रही है मुझे पॉलिटिशियन बनना है माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ के क्या आप uh, वर्सोवा ब्रिज के नीचे जाके गोखले ब्रिज के नीचे जाके धरना दे सकते हो दो दिन के लिए आप बैठ सकते हो उस धूप में आप नीचे बैठ सकते हो अपने कपड़े आपके गंदे होंगे ख़राब होंगे इन सब चीज़ों को हटा के क्या आप किसी के घर में रह सकते हो जाके आज आपने कितने सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे पॉलिटिशियंस के जो हाथ मिला के लोगों से हाथों को पूछते हैं और सैनिटाइजर से वाइप ऑफ करते हैं तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द पीपल आप उनके सामने इतने पॉश कॉर्पोरेट वाले बनके जब जाते हो लाइक आर यू एबल टू रेजोनेट विद दम एट ऑल लाइक नरेंद्र मोदी फॉर देट मैटर आज वो अगर अडानी के साथ रेजोनेट करते हैं तो आज वो एक डस्कोरी में किसी एक गाँव के आदमी के साथ भी रेजोनेट करते हैं उनको हर भाषा बोलनी आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट uh, होता है एक पॉलिटिशियन का कि आप लोगों के साथ कैसे रिलेट कर रहे हो uh, आपकी स्पीच कैसी है आप बोल कैसे पा रहे हो बिकॉज हाफ द बैटल इज़ वन इफ़ यू आर अ गुड स्पीकर हाफ द बैटल इज़ वन इफ यू अ गुड स्पीकर बट आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो आप लोगों को होल्ड कैसे करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज़ पॉलिटिक्स सेट करने के लिए तो पचास लोग बैठे हैं आपके लिए uh, आप उस चीज को कैसे कैपिटलाइज़ हो, चमड़ी होनी चाहिए आपकी कि आपको कोई कुछ भी बोल जाए आपको आप मजे ले रहे हो खाली मतलब पॉलिटिशियन से ज्यादा मोटी चमड़ी किसकी हो सकती है आप सोचो आज मतलब जितना ट्रोल राहुल गांधी को किया जाता है नरेंद्र मोदी को किया जाता है ममता बनर्जी को किया जाता है टी का नाम सुना